अगली समस्या जो पंचों के सामने है वह है बेगानी शादी में वीरू बना दूल्हा। बात है ये रामगढ़ की। बसंती शरद और वर्षा के सूखे मौसम की इकलौती बारिश का सबसे सुंदर इंद्रधनुष थी। बसंती के खूबसूरती की चर्चा गांव में खूब हुआ करती थी, पर सबसे ज्यादा नहीं, गांव का सबसे चर्चित विषय था जय और वीरू की जोड़ी, फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत। बापू साहब अपनी छोरी के लिए सबसे बांका छोरा लाए थे, नाम था गब्बर। गब्बर की आजादी का आखिरी दिन था, फिर तो उसे ठाकुर ही बनना था। ब्याह में बड़े बड़े और मशहूर लोग आए थे, तो जय और वीरू भी क्यों ना आते। शादी की विधियां चल रही थी कि उतने में शगुन की थाली में रखे केले देखकर वीरू सीधा केला की तरफ इतनी तेजी से भागा कि गलती से सिंदूर जा गिरा बसंती की मांग में। बेइज्जती के डर से गब्बर ने शादी से तुरंत इनकार कर दिया। पंडितों का भी मानना था कि अब तो ब्याह वीरू से ही होना चाहिए। जय को भी लगा कि अब दहेज का सारा पैसा उसे मिल जाएगा, पर लड़की वालों ने साफ इनकार कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि अगर वीरू से शादी हो भी गई तो क्या गलत है, आखिर था तो वो गांव का सबसे चर्चित प्राणी ही ना। अरे, क्योंकि वीरू बंदर था और जय उसका मदारी, अब क्या करती बेचारी। अब बापू साहब यह मामला लेकर पंचायत के पास आए हैं, जहां एक पक्ष है बसंती और उसके घर वाले, जो इस शादी के खिलाफ हैं और कहते हैं कि गब्बर उनकी छोरी से ब्याह कर ले, और दूसरी तरफ हैं जय, पंडित और गब्बर, जो इस ब्याह को जायज मानते हैं और कह रहे हैं कि अब बसंती खुशी खुशी वीरू को अपना पति मान ले। पहला पक्ष है पंडित, जय, वीरू, गब्बर और उनका परिवार। वहीं दूसरा पक्ष है बसंती, बसंती के माता पिता व अन्य रिश्तेदार। एलिजा, जरा केस की फाइल पकड़ाई जाए, एक बार अपने अपने परिचय दे दीजिए जरा और बता दीजिए आप केस। नमस्ते जी। बसंती। अच्छा, आप बसंती हैं। माता जी से बड़ा प्रेम है आपको, बगल में बैठी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार पंचो, हम हुए बसंती के मामा। मामा फाव में आए हैं जी। दूसरी टीम भी बताया जाए। ये हमारे पंडित हैं, ये वीरू, मैं जय और ये गब्बर। वीरू कौन है? अच्छा, वीरू है, अरे बस स्वाग वाले बंदर हैं जी। चलिए जी, पंचायत की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी जाती है। आप लोग अपने अपने दलीलें रखें, आशा करते हैं पंचायत को एड्रेस करें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। बोला जाए। अरे अपना ये मानना है, देखिए भैया ऐसा है कि माइक को थोड़ा पास ले आइए, कान में आवाज आएगी। अरे हमरा ये मानना है, एक बंदर और एक औरत की मिलन संभव कैसे है, आप ही बताइए भला। जो भी दलीलें आपने उस दिए हुए कागज में पढ़ी है, महज एक इत्तेफाक था, ये कोई जान के किया गया है कारनामा नहीं था। जैसे कि आपने देखा कि वीरू भगते भगते जिस केले को लेने के लिए वहां पहुंचे थे, गलती से बसंती के माथे में सिंदूर गिर गई, वो एक महज एक इत्तेफाक था और ज्यादा कुछ नहीं था। आप गब्बर होने के नाते जो इस शादी से बहुत ज्यादा मंजूरी रख रहे थे, तो गब्बर को शादी करनी क्यों नहीं चाहिए थी, ये बात मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा। बर्बाद करा देंगे इत्तेफाक, सिर्फ इत्तेफाक के नाम पे। बसंती सही कह रही हैं, इत्तेफाक से आप किसी की माशुका को नहीं छीन सकते हैं, बहुत ही गलत बात है। जनता थोड़ा सा मजा ले उधर, जनता थोड़ा मजा ले उधर, बाकी लोग बताया जाए। अरे ये जो बंदर है, ये बंदर कोई मामूली बंदर नहीं है। अरे थोड़ा आवाज तो सुना, ये बंदर का मजा कहाँ आ रहा है। बोलो बोलो। हाय। बंदर हाय बोलता है। बंदर है कि तोता है जी? रैंक वाला बंदर। तो ये जो बंदर है कोई मामूली बंदर नहीं है, ये हनुमान जी का भक्त है, प्रत्येक मंगलवार को जाता है मंदिर, अब केला चुरा के लाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये बसंती को खुश भी रखेगा। नाम
काम का जी है। गब्बर तो हमको नहीं लगता कुछ काम करता था। अच्छा बसंती को इस बंदर को हनुमान जी की सेवा में ही रहने दो, हमको नहीं चाहिए ऐसा बंदर, हमको अपना गब्बर चाहिए। अरे इसमें भगवान की मर्जी है, देखिए तो। अच्छा ऐसा है कि कहानी समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कहानी बताया जाए भाई। ये कहानी एक शादी की है जिसमें बसंती और गब्बर की शादी तय हुई है। अरे आपको न्यूज चैनल में रिपोर्टर थे का, ऐसे काहे बोला, बढ़िया से बोलिए आराम आराम से। ये शादी की सीन है जिसमें बसंती और गब्बर का विवाह तय हुआ है। शादी के दौरान जब वीडियो का चलन चल रहा था, तब वीरू जो एक बंदर है वो जल्दी से जाकर केला जो उठाना चाह रहा था, तो उस केले को उठाने के चक्कर में गलती से सिंदूर बसंती के माथे पे गिर गया। सही। तो बसंती का भी ये कहना है, गब्बर का भी ये कहना है कि उसे जो जिंदगी है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि ये अब वो शादी करना नहीं चाहता है। ठीक है। और जो परिवार वाले हैं बसंती के, वो चाहते हैं कि वो गब्बर से शादी हो जाए। जी। तो ये अब हमें इस विषय पे चर्चा करना है कि इनका कहना है कि ये शादी अब नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। तो अब ये शादी जो कि हो चुकी है, तो ये ऐसा ये तो इत्तेफाक से हुई है, कहना इनका ये है। बसंती आप क्या कहना चाहती हैं? माइक में बोल दीजिए बसंती जी। हम इत्तेफाक नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, हमारी मम्मी से बात। बसंती जी अच्छी लग रही हैं आप बहुत। अच्छा मम्मी जी कुछ कहना चाहती हैं? मम्मी जी बताइए। हम अपनी बेटी को किसी बंदर के हाथ कैसे दे सकते हैं? अब देखिए तो रीति से हुआ है, बंदर कमाने वाला है, अच्छा खासा कमाता है। आप लोग कुछ। अच्छा लड़की के मामा जी एक बात बताइए, अब तो भगवान पे भरोसा है कि नहीं? हम पंडित आदमी हैं, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है भगवान से। अच्छा फोन कीजिए तो थोड़ा सुनवाइए भगवान जी क्या बोलते हैं। इधर हो गया है बात, तो हम कहना चाह रहे हैं कि भगवान अंतिम क्षण में ही फैसला किए कि गब्बर बसंती के लायक नहीं है, हमारा जो वीरू है वही लायक है। अरे बंदर को नचवाइए थोड़ा, देखा जाए कितना कमाता है। जब पहले बंदर नाच के दिखाइए कितना कमाता है। पहले हम देखिए तो कितना चर्चित क्यों है बंदर, बंदर नाच के दिखाइए जरा। अरे हम दूल्हा को नाच करवाते हैं अपन शादी में। अरे दूल्हा तो यहाँ तो नाचता ही है, आप तो बात कर। अभी दूल्हा का अभी बताइए, दुल्हन छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे जय जी, आपका वीरू पंडित है। हाँ ठीक है, आप पंडित जी, आपका ये जो वीरू है ये बसंती के लिए कैसे काबिल है? अरे कह तो दिए कि गब्बर नालायक निकम्मा है, हमारा काम करता है, भगवान में भरोसा रखता है, हनुमान जी का भक्त है, और ही का चाहिए ना दूसरा। अच्छा, तो अच्छा, गब्बर, अच्छा गब्बर, गब्बर गब्बर आप क्या करते हैं? बैठे हुए हैं हम, पायलट है। इतना सोच कह रहे हैं? पता तो पहले सोच लिए होते क्या करते हैं, या कर लिए होते फिर सोचे होते हैं? हम बता रहे हैं हम पायलट है, अपना पापा का पैसा उड़ाते हैं। अरे ये तो बड़ी बड़ी मुश्किल घड़ी है। वीरू ज्यादा लायक है आपसे, नौकरी करता है, केला वेला चुरा। अच्छा क्या, अच्छा एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है, बसंती शायद इसलिए चिंतित है, क्या शादी का सुख दे पाएगा वीरू? वो सुख तो आप बंदर को ही, बसंती को ही समझना पड़ेगा कि बंदर भला कैसा दे पाए। हम तो सब दे देते लेकिन वो मान में सिंदूर भर के हमारा तो क्या करे, क्या बताए। आखिरी दलीलें रखी है, आखिरी दलीलें आप दोनों की मांगे क्या है, केस लंबा खींच रहा है, आप क्या चाहते हैं? दोनों पक्ष अपनी बात रखिए पंचायत को। पंडित, अच्छा हाँ बोलिए। ये शादी संभव नहीं है, हम ये शादी नहीं करना चाहते। तो आपकी थोड़ी सी शादी है जी, बसंती की शादी है। मैं उनका पिता हूँ। अच्छा तो माता पिता दोनों कह रहे हैं कि शादी नहीं होनी चाहिए? नहीं, माता पिता की सहमति है और ना ही मेरी बेटी की सहमति। कुछ भी कहे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करने वाले हैं शादी। मांग में सिंदूर ही तो भरी है, फेरे कहाँ हुए अभी। और फिर अगर आगे कोई शादी नहीं करेगा तो आपसे, वो हमारा, आपकी शादी तो बंदर से हो चुकी है, तो आप जो है वीरू से शादी ना करे, ना करे ऐसी शादी से हम जिंदगी। समाज क्या कहेगा अगर ऐसे बिन ब्याह बेटी रखिएगा? कितना साल रखिएगा आप लोग अपन घर में? अरे सिंदूर भरा भी कहाँ है, सिंदूर तो मेरा है।
अभी बोलने दीजिए पहले उनको। हाँ आप अपना पूरा बात रखिए। सिंदूर भरा भी कहाँ है, चुटकी से सिंदूर भरा जाता है। झूठे मूठे का बोलने की भगवान जी को कॉल लगाए थे, कॉल से आ गया कि जरा सुनाइए तो भगवान जी से एक बार बात कराई दीजिए। आप कराइए एक बार। कैसे हो जाएगा, खाली जो सिंदूर पड़ गया तो देखिए जरा भगवान जी करवा देंगे सिंदूर का, सबके सिर पे करवा देंगे। टाइम ऑनलाइन में तो बात कराइए थोड़ा सा। अच्छा आप अपनी दलीलें रखें, आखिरी दलीलें रखें। ये जो कुछ भी हुआ है भगवान का सारा लिखा हुआ है। अब बसंती आपको वीरू के साथ रहना पड़ेगा। अगर आगे जो कुछ भी होता है हमारे पंच डिसाइड करेंगे ये कि आपको आगे जिंदगी कैसे व्यतीत करनी है। अच्छा बसंती से एक सवाल है, बसंती बसंती की माता जी से स्पेशली। माता जी क्या आप गब्बर को अभी भी अपना दामाद स्वीकार करेंगी? नहीं नीति चल रहा है, ऐसा व्यक्ति जो इस समय अपना मुंह फेर ले वो इंसान कभी इसको कुछ नहीं होता। सही, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बहुत अच्छी सही कह रही हैं। क्यों की थी अपनी लड़की की शादी अपने गब्बर से क्यों तय की? देखिए ऐसा है ऐसा वैसा हमारे पापा ने भूल हो गई, वो नहीं जानते। किससे को खत्म किया जाए, सरपंच बोलना चाह रहे हैं कि वाद विवादों में पड़ने से कोई मतलब नहीं है। पंच थोड़ा परामर्श करेंगे फिर फैसला सुनाएंगे, तो थोड़ा सा समय दिया जाए, आप लोग शांति से बैठे। तक बंदर अपना नाच दिखा सकते हैं, एक बार हो ही जाए, देखा जाए कैसा चर्चित क्यों है आप। तो देखिए ऐसा है, सारी दलीलों को सुनने के बाद अरे जनता बाकी लोग भी सुने भाई, इधर उधर ना देखें। देखिए ऐसा है कि सारी दलीलों को सुनने के बाद पंचायत इस फैसले पर पहुंची है कि अब बंदर से तो लड़की का विवाह मुश्किल है, ना उसको कोई बंदर सुख दे पाएगा, ना आगे का जीवन यापन हो पाएगा। तो बंदर से विवाह मुश्किल है, हालांकि अगर लड़के और लड़की की माताजी की अनुमति हो तो गब्बर से दोबारा विवाह किया जा सकता है, ऐसा पंचायत का मानना है। वो आपकी इच्छा पर है, हम उसमें कोई दबाव नहीं डालेंगे। तो जहां तक आपके प्रदर्शन की बात है तो थोड़ा सा प्रेम दिखाइए, प्रदर्शन मत कीजिए। और जो आपकी जो टीमों का प्रदर्शन रहा है उसके नतीजे को अगर देखा जाए तो जो हमारी ये टीम है बंदर की, बंदर नाच देता तो थोड़ा और मजा आ जाता। यही जय वीरू और बंदर की टीम विजेता टीम है। और जिनका भाई डायरेक्ट कनेक्शन हो भगवान के साथ उनको हारने से अभी कौन रोक सकता है? अच्छा सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी लोग यहाँ प्रांगण में खड़े हैं सभी लोगों से अनुरोध है अपना अपना आधार कार्ड बनवाएं और मोदी जी से तुरंत लिंक करवाएं। भैया 31 मार्च के पहले करा लीजिए, 31 मार्च के पहले अपना अपना आधार कार्ड मोदी जी से लिंक करवाएं। विजेता टीम से अनुरोध है कि अपना पुरस्कार स्वीकार करें और एक सेल्फी हमारे साथ ली जाए। अरे थोड़ा फोटो फोटोग्राफर फोटो वोटो लिया जाए जरा टीम। रामाधीर सिंह एक फोटो ली जाए।